चैप्टर दिस इज ऑसिलेश राइट सो वील स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन इन डेली लाइफ बी कम अक्रॉस द काइंड ऑफ मोशन हम अपने दैनिक जीवन में अलग अलग तरह के मोशंस के बारे में देखते हैं सुनते हैं महसूस करते हैं सो वी हैर्न अबाउट सम ऑफ दैम Uh, so, okay? so, so, समझने की कोशिश करनी हमने लीनियर मोशन के लिए आप इस uh, डायग्राम नंबर वन में देखेंगे जब एक पार्टिकल ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है एक पार्टिकल है जिसका कोई मास एम है इट इज मूविंग विदेन ब्लूस्टी वी राइट इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन तो नॉन रेपिटेटिव होने का मतलब है कि ये पार्टिकल जो है ये जो कोई बॉल है जिसका कोई मास अहम है ये दोबारा ए पोजिशन पर कभी नहीं आएगा इट इज़ गोइंग टू मूव ओनली फॉर इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन सो ऐसा मोशन जो है वो नॉन रेपिटेटिव होता है यहाँ प्रोजेक्टाइल मोशन में देखें तो इसमें पार्टिकल का जो लोकेशन है वो यहाँ से लेके फिर यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा फिर यहाँ आएगा, आएगा अब ये बॉल यहाँ रुक जाएगा पर ये यहाँ नहीं आएगा वापिस इसलिए हम इसको बोलते हैं दिस मोशन इज़ द प्रोजेक्टाइल मोशन लीनियर मोशन दे आर नॉन रेपिटेटिव इन नेचर सो वी हैव ऑल्सो लर्नड अबाउट द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में भी पढ़ चुके हैं जिसमें एक पार्टिकल जो है वो एक सर्कल में मूव करता है विद ए कॉन्स्टेंट स्पीड एंड इट्स डायरेक्शन इज रेगुलरली चेंजिंग एंड ऑर्बिटर मोशन ऑफ द प्लानट जो प्लानट जो है जो जब सन के किनारे रोटेट करते हैं और uh, सर्कल में मूव करते हैं तो ये जो एग्जाम्पल है ये ऑर्बिटल मोशन uh, का है जैसे आप उदाहरण के लिए यहाँ देख सकते हैं सन इज एट द एट द सेंटर ऑफ दिस सिस्टम एंड अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन ओके एंड द मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ सो दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ द पेरेडिक मोशन ये पेरेडिक मोशन इसलिए है क्योंकि ये मोशन जो वो रिपीटिटिव है इसमें इस जो ऑब्जेक्ट uh, है वो अपने आप को अपने लोकेशन को

या हम ये क्लॉक की बात करें तो क्लॉक पर आप देखें तो जो सेकेंड की सुई है वो आफ्टर सिक्सटी सेकेंड इट विल बी एट एट दिस पोजिशन बन सकें राइट और यदि हम मिनट की सुई की बात करें तो जहाँ इसकी लोकेशन है हम इसको ऐसे कह देते हैं इसकी लोकेशन का नाम ए लिख देते हैं इसकी बी लिख देते हैं और इसका सी लिख देते हैं सो सो आफ्टर सिक्सटी मिनट इट विल बी एट एट द सेम लोकेशन राइट So, और यदि हम आवर वाली सुई की बात करें तो 12 घंटे के बाद जो है वो जो सुई है आवर्स वाली जो सुई होगी वो सी पॉइंट के ऊपर दोबारा फिर से आ जाएगी सो so, ये सारे पेरियोडिक मोशन हैं बट सभी का जो पीरियड है वो डिफरेंट है जैसे हम ए सेकेंड वाली सुई की बात करें तो ये साठ सेकेंड के बाद दोबारा ए पॉइंट पर होगी और यदि हम मिनट की सुई की बात करें तो ये साठ मिनट के बाद जो है वो दोबारा बी पॉइंट के ऊपर होगी और यदि हम आवाज़ वाली सुई की बात करें तो ये बारह घंटे के बाद दोबारा जो है वो सी पॉइंट के ऊपर होगी तो ये सारे पेरियोडिक मोशन है और इन सभी का पीरियड अलग अलग है सो so, इसी तरीके से हमने जैसे आप झूला झूलने का एक एग्जाम्पल लेते हैं तो ये भी एक तरीके का मोशन हमने पढ़ रखा है जस्ट टॉकिंग अबाउट द स्विंगिंग ए स्विंग जब हम झूला झूलते हैं तो झूला झूलने में क्या होता है कि ये एक मोशन है ये

ऑसिलेटरी मोशन है ये रेपिटिटिव इन नेचर है इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो अपनी लोकेशन को एक फिक्स टाइम के बाद जो है वो रिपीट करता है राइट right? और जो पेरियोडिक मोशन है उसमें एक फिक्स इंटरवल के बाद जब पार्टिकल अपनी पोजीशन को दोबारा फिर से रिपीट करे देखिए मैंने आपको दो एग्जांपल इसके दे दिए हैं तो उसको हम पेरियोडिक मोशन बोलते हैं ओके सो द ऑब्जेक्ट मूव्स टू एंड फ्रो अबाउट द मेन पोजीशन जब जो ऑब्जेक्ट है वो मीन पोजिशन के किनारे आगे पीछे जाए आप यहाँ चले आइए ये रही मीन पोजिशन और जब आपका जो ऑब्जेक्ट है जैसे झूला होता है ना वो बिल्कुल सेंटर के किनारे कभी आगे जाता है पीछे जाता है आगे जाता है पीछे जाता है आगे जाता है, आगे जाता है पीछे जाता है अंग्रेजी में हम इसको टू एंड फ्रो मोशन बोलेंगे राइट तो इस तरीके के मोशन को हम बोलते हैं ऑसिलेटरी मोशन इसका और उदाहरण आप देखें कि जैसे दीवारों के ऊपर लोगों ने बाल क्लॉक लगाए होते हैं तो उसमें पेंडुलम क्या करता है वो बैक एंड फॉर्थ मोशन करता है राइट मीन पोजिशन के किनारे ऐसे ऐसे करके झूलता है यूं 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 करके ओके okay? सो so, ये मोशन भी क्या है ऑसिलेटरी मोशन है और एग्जांपल ऑफ सच पेरियोडिक एंड पेरियोडिक टू एंड फ्रॉम मोशन अबाउंड ए बोट इज टॉसिंग अप एंड डाउन एक किश्ती जो है वो पानी में uh, उछलने मारती है जैसे कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है पिस्टन इन स्टीम इंजन गोइंग बैक एंड फॉर्थ सो सच मोशन इज टर्म्ड एज ऑसिलेटरी मोशन इस मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन का नाम देते हैं फिनोमिना okay? तो है. so, हमें यदि ऑसिलेटरी मोशन के जो कॉन्सेप्ट है अच्छी तरीके से समझ आ जा जाते हैं तो हमें कई फिजिकल फिनोमिना को समझने में मदद मिलेगी जैसे हम म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं जैसे सितार हुआ गिटार हुआ राइट right? वायलिन हुआ सो वी कम अक्रॉस द वाइब्रेटरिंग स्ट्रिंग इसमें क्या होता है कि जो स्ट्रिंग है वो वाइब्रेट करती है और वो बहुत प्लीजिंग uh, जो साउंड है वो प्रोड्यूस करती है तो आप देख लीजिए कि ये जो मोशन रहेगा ये दिस मोशन इज दिस मोशन इज ऑसिलेटरी मोशन ये मोशन जैसे रहेगा दिस मोशन इज द ऑसिलेटरी मोशन बिकॉज द स्ट्रिंग वाइब्रेट लाइक दिस Try right, to do it better, but what extent? This is a, a vibratory motion. So इसके किनारे जो um, आपकी जो स्ट्रिंग है वो कभी ऊपर की ओर जाएगी और कभी नीचे की ओर जाएगी एंड इट विल प्रोड्यूस of इफेक्ट ऑफ साउंड

सॉलिड में क्या होता है एटम वाइब्रेट अबाउट दर इक्वरी पोजिशन तो सॉलिड्स में भीटम जो है वो इक्लिवर पोजिशन के अराउंड है करते हैं सो ऑल दीज्सफुलचुरल फिनोमिना फॉर दैट्स आर ऑसिलेट्री दानसेप्टेटरीट आप ए सी पावर सप्लाई में आप देखें कि दोल्टेजर पॉजिटिव एंडटिव अबाउट द मीन जीरो तो यदि हम वोल्टेज की बात करें तो ये वोल्टेज को साइड रिप्रेजेंट करे तो हम यहां लिख सकते है कि हैं दिस UH, तो कि रिप्रेजेंटेड प्लस टू में डिटेल में पढ़ेंगे अब तक तो आपको जस्ट ये देखना ही है कि ये ऑसिलेटरी मोशन का एक एग्जाम्पल है सो द डिस्क्रिप्शन ऑफ द पेडिक मोशन एंड इन जनरल एंड द ऑसीटरी मोशन इन पर्टिकुलर पर्टिकुलरली हम ऑसिलिटरी मोशन के बारे में बात करना चाहते हैं uh, तो हमें कुछ चीज़ें समझनी होंगी कि पीरियड नाम पीरियड क्या चीज़ होती है फ्रीकुंसी क्या चीज़ होती है इन्हें समझना पड़ेगा हमें फिर डिसप्लेसमेंट क्या होता है इसको समझना है एम्पलीट्यूड को समझना है फिर फेज़ को समझना है जब हम इन चीज़ों को सेपरेटली पढ़ेंगे तो हमें ऑसिलिटरी मोशन का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छे तरीके से समझ आ जाएगा सो दिस इज़ ऑल अबाउट द uh introduction part of this and we will discuss all these things in the details in the in the coming text right thank you